आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, प्रश्न है, दाब लगाना विधि से किस पौधे में वृद्धि प्रजनन किया जा सकता है। तो हमें यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि जो दाब लगाना विधि होती है, इसके द्वारा किस पौधे में वृद्धि प्रजनन किया जा सकता है। पहला विकल्प है गुलाब, दूसरा है चमेली, तीसरा है आम और चौथा और आखिरी विकल्प है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, जो दाब लगाना होता है यह वृद्धि प्रजनन की, ठीक है, क्या है, वृद्धि प्रजनन की एक विधि है। इस विधि में जो क्या होता है, पादप होते हैं इसकी शाखाओं पर, ठीक है, इस विधि में पादप की शाखाओं पर कृत्रिम रूप से, ठीक है, कृत्रिम रूप से जड़ें उत्प्रेरित की जाती हैं, ठीक है, बाद में फिर से मात्र पादप से या मात्र पौधे से अलग करके इसका क्या किया जाता है, प्रवर्धन किया जाता है, तो इससे नए पादप का विकास होता है, ठीक है। तो बात करें अगर विकल्प की, पहला यहाँ पर गुलाब, तो दोस्तों गुलाब में कलम रोपण द्वारा क्या होता है, वृद्धि प्रजनन किया जाता है। चमेली में दाब लगाना विधि द्वारा वृद्धि प्रजनन होता है। तीसरा है आम, तो दोस्तों इसमें भी कलम रोपण द्वारा वृद्धि प्रजनन होता है। और उपरोक्त सभी, तो यह विकल्प यहाँ पर गलत हो जाएगा, सही उत्तर होगा दूसरा विकल्प। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।